हाय फ्रेंड्स, तो ये एक वुडन बॉक्स है जिसको मैं DIY करूँगी। सबसे पहले मैंने इस वुडन बॉक्स को ब्लैक कलर में पूरा कलर कर लिया। ये दिवाली की सफाई करते टाइम मुझे मिला था, तो मैंने कहा इसका यूज़ करते हैं, कुछ रिक्रिएट करते हैं। तो अब हम ये मोल्डेड क्ले लेंगे और एक ये मोल्ड लेंगे। इसकी हेल्प से हम फ्लावर कट करेंगे। ये देखिए, इस शेप में मैंने ढेर सारे फ्लावर बना लिए हैं। अब जो हमने वुडन बॉक्स ब्लैक किया है ना, उस पर थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे और जो फ्लावर हमने कट किए थे मोल्डेड क्ले से, वो स्टिक कर लेंगे इस पर। इस सनाया ने कैमरा थोड़ा अच्छा से नहीं पकड़ा है। ये देखिए, इस तरह से सारे फ्लावर को हम स्टिक कर लेंगे और हम इसको कलर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्ले को वाइट कलर से कलर करेंगे, इससे हमारा बेस तैयार होगा। और हम दोबारा कोई भी कलर करेंगे ना, तो वो हमारा कलर खिल के आएगा इस पर। तो सबसे पहले हम ये वाइट कलर से ही करेंगे। और ये जो स्पॉट दिख रहे हैं ना, इसको हम फिर से कलर करेंगे तो ये स्पॉट सारे चले जाएंगे। अब हम इस फ्लावर को ऑरेंज कलर में कलर कर लेंगे। आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप कलर कर सकते हैं। जितने भी फ्लावर्स हैं सब सबको हम ऑरेंज कलर से कलर कर लेंगे और फिनिशिंग अच्छे से दे देंगे। अब हम इसके ऊपर येलो कलर से शेड देंगे हल्का सा, एक दो स्ट्रोक ही देंगे, उससे अच्छे से शेडिंग आ जाएगी तो फ्लावर्स दिखने में अच्छे लगेंगे। और जो मिडिल पार्ट है ना, वहाँ पे ब्राउन कलर से कलर कर लेंगे। वो मैंने शूट नहीं कर पाया मिडिल पार्ट में। और मैंने इसको फिर से बेस को, जो थोड़ा सा स्पॉट से दिख रहे थे, उसको दोबारा से ब्लैक कलर से कलर कर लिया है। अब हम इस पर मिरर स्टिक करेंगे। फेविकॉल से इसमें अच्छे से स्टिक हो जा रहे थे, तो इन मिरर को फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। अभी मैंने फेविकॉल नहीं लगाया, मैं रख के दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, ये सारे मैंने स्टिक कर लिए हैं। और जब हम इसमें फ्लावर लगाएंगे तो ये हमारा फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप किसी भी शेप में, किसी भी डिज़ाइन में इसको बना सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।